अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद उस्मान है एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। आज हम बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आजकल जिस तरह साइंस में तरक्की होती जा रही है, तो ये बड़े मॉडर्न डे के टॉपिक्स हैं। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग पे। तो आइए इनको वाइट बोर्ड पर समझते हैं। जैसा कि डियर स्टूडेंट आपको पता है कि लास्ट टाइम हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने मल्टीपल फिशन, बाइनरी फिशन, बडिंग और पार्थेनोजेनेसिस को डिटेल में डिस्कस किया। अब हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज दो और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, जिनको हम टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टिश्यू कल्चर को कि ये क्या है और इसके क्या क्या इम्पैक्ट हैं आजकल की साइंटिफिक जो एडवांसमेंट है उस पे। अगर हम टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसीजर है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जो ऑर्गन के आइसोलेटेड सेल्स हैं या टिश्यूज हैं उनको आर्टिफिशियली लैब के अंदर मेंटेन करते हैं। ना सिर्फ मेंटेन करते हैं यानी कि स्टोर करते हैं, बल्कि उनको प्रोपोगेशन भी की जाती है, उनकी आगे से डिविजन भी करवाई जाती है। सो टिश्यू कल्चर इज इन विट्रो यानी कि लैब में मेंटेनेंस एंड प्रोपेगेशन ऑफ आइसोलेटेड सेल्स एंड टिश्यूज और ऑर्गन्स इन एन अप्रोप्रिएट आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। जब हम इस टेक्निक में किसी भी सेल को आइसोलेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि ये किडनी टिश्यू है और इस किडनी टिश्यू से फॉर एग्जाम्पल हमने ये सेल्स लिए, इनको हमने बायोप्सी के थ्रू हमने ये सेल्स ले लिए। इसके बाद अब हम इनको लैब में लेके जाएंगे, वहां पे इनको खास आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देंगे और ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट कैसा होगा, जो कि जो एनवायरनमेंट इन सेल्स को नेचुरली मिल रहा है उसके बहुत ज्यादा करीब तरीन, यानी कि वहां पे टेम्परेचर का भी ख्याल रखा जाएगा, इसके अलावा इनकी न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखा जाएगा, इसके अलावा इनकी जो ह्यूमिडिटी वगैरह है उसका भी ख्याल रखा जाएगा। उसके बाद हम इन सेल्स को फिर फर्दर अगर चाहें तो इनको आगे से प्रोपगेट कर सकते हैं। उसके लिए इनको सर्टन ग्रोथ मीडियम में रखा जाता है। ग्रोथ मीडियम ये वो मीडियम होता है जिसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि इन सेल्स को ग्रो करने के लिए चाहिए होते हैं। ना सिर्फ वो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे मौजूद होंगे बल्कि वो एनवायरनमेंट भी इनको यहाँ मुहैया किया जाएगा, जिसका तذکرہ हमने पहले किया, जिसमें रहते हुए ये सेल्स फिर फर्दर आगे से प्रोपगेट करेंगे। तो इस टेक्निक का नाम बेसिकली टिश्यू कल्चर है। अब यहां पे एक सवाल उठता है कि वो आखिर कौन कौन से टिश्यूज हैं जो कि इस टेक्निक में यूज हो सकते हैं, यानी कि सादा लफ्जों में वो कौन कौन से सेल्स हैं जो कि इस टेक्निक के थ्रू प्रोपोगेशन करवाए जा रहे हैं आजकल बायोमेडिकल साइंसेस में। तो उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स हैं वो एक तो फाइब्रोब्लास्ट हैं, इसके अलावा लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स आपको पता है इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट ये फाइबर फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ये भी टिश्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इसके अलावा जो कार्डिक सेल्स हैं वो भी टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू प्रोपेगेशन हो रही है। जो स्केलेटल मसल के सेल्स हैं
वो भी इस टेक्निक के थ्रू आजकल इनका कल्चर किया जा रहा है। इनके साथ साथ लिवर सेल्स का भी कल्चर किया जा रहा है, जो मेमोरी टिश्यू है उनका भी कल्चर किया जा रहा है। इसके अलावा स्किन के सेल्स भी टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू प्रोपेगेट हो रहे हैं, और फिर किडनी सेल्स भी इस टेक्निक के थ्रू प्रोपेगेट होते हैं। इसके अलावा फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बहुत से ट्यूमरस सेल्स को भी प्रोपोगेट करवा के उनका ग्रोथ पैटर्न देखा जाता है। अब ये जो टेक्निक है इसके बहुत ज्यादा फायदेमंद असरात हैं ह्यूमन लाइफ के ऊपर। आपने अक्सर आजकल ये कभी सुना होगा सोशल मीडिया पे या टेलीविजन वगैरह में अखबारात में कि अब ये हम इस काबिल हो गए हुए हैं साइंटिफिक वर्ल्ड में कि हम एक ऑर्गन से टिश्यू को लें, उसमें से सेल्स को अलहदा करें और फिर इस कल्चर टेक्निक के थ्रू यानी कि टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू उनको दोबारा उस ऑर्गन का हिस्सा बना दें। जैसे जो पेशेंट्स आजकल लिवर सिरोसिस वगैरह के डिजीज से अफेक्ट हुए हुए हैं या जिनमें लिवर जो है उसका डैमेज हो चुका है ड्यू टू एनी रीजन, तो उसमें कुछ हद तक जो ये टेक्निक है वो यूज होती है कि उसमें हम उस जो पेशेंट होता है उसके लिवर का पार्ट लेते हैं, छोटा सा पीस बायोप्सी के थ्रू लेते हैं, उनको कल्चर किया जाता है और फिर वो इवेंचुअली उसी ऑर्गन के सेल में ग्रो करते हैं। ऑल्दो कि ये जो टेक्निक है टिश्यू कल्चर की, ये इस तरह ऑर्गन रिप्लेसमेंट में अभी बहुत ज्यादा एडवांस नहीं पहुंची हुई, लेकिन इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन हर दिन ब दिन बेहतर से बेहतरी की तरफ नतीज आना शुरू हो रहे हैं ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस एक्सपेरिमेंटेशन। और वो दिन दूर नहीं है कि जब हमें वून हीलिंग के लिए खास तौर पे जो क्रॉनिक वून्स होते हैं जो कि हील नहीं हो रहे होते, उनकी हीलिंग के लिए हम ये सेल्स यूज कर सकेंगे। इसी तरह जो किडनी डिजीजेस हैं, जो स्किन की डिजीजेस हैं जिनमें आप स्किन को ग्राफ्ट लगाया जाता है, तो ऐसा वो दिन दूर नहीं है कि जब हम टिश्यू कल्चर के थ्रू सेल्स को लेके उनको फिर कल्चर करवा के तो दोबारा उस जगह के ऊपर लगा सकेंगे। तो इसलिए ये जो टेक्निक है टिश्यू कल्चर टेक्निक, ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है ना सिर्फ ह्यूमन लाइफ के लिए बल्कि और जो प्लांट लाइफ के लिए भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल डिविजन्स, जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है इसको दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है। नंबर वन जिसको हम प्राइमरी सेल कल्चर कहते हैं और फिर सेल लाइंस। डियर स्टूडेंट यहां पे सिर्फ ये याद रखें, प्राइमरी सेल कल्चर से मुराद फर्ज करें ये टिश्यू है, ये जो यहां पे बना हुआ है, आपने इसका इतना सा पोर्शन यहां से लिया और इसमें से थ्रू मैकेनिकल एंजाइमेटिक एंड केमिकल मेथड इस टिश्यू से आपने सेल्स को अलहदा कर लिया और सेल्स को फिर आपने इस तरह से लैब के अंदर मेंटेन करना शुरू कर दिया। यह है प्राइमरी सेल कल्चर टेक्निक। जो सेल लाइंस हैं वो फिर आगे से जब ये वाले सेल फर्दर प्रोपगेट करते हैं तो उसके रिजल्ट्स में जो आगे सेल्स आते हैं ड्यू टू द प्रोपगेशन ऑफ प्राइमरी सेल कल्चर, तो ऐसे सेल्स को या ये जो अब सेल्स आएंगे इनको बेसिकली सेल लाइंस या सेकेंडरी कल्चर कहा जाता है। प्राइमरी सेल कल्चर क्या था, ये वो टिश्यू था, ये वो सेल्स थे जो हमने बायोप्सी के थ्रू एक ऑर्गन से पीस लिया और फिर थ्रू केमिकल एंजाइमेटिक और मैकेनिकल प्रोसेसेस के थ्रू सेल्स को उस टिश्यू में से अलहदा कर लिया। अब इनके आगे से जो सेकेंडरी सेल्स हैं ये वो सेल लाइंस हैं जो कि जब ये प्राइमरी जो सेल हमने लिए थे पहले इनको जब हम प्रोपगेट करवाएंगे लैब में तो उसके बाद जो सेल्स आएंगे उनको बेसिकली सेकेंडरी सेल कल्चर कहा जाता है। तो ये बेसिकली दो टाइप्स हैं टिश्यू कल्चर की।
एनिमल के बाद आइए स्टूडेंट, अब हम टिश्यू कल्चर टेक्निक डिस्कस करते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स के अंदर अगर इस टेक्निक की बात की जाए तो इनमें भी प्लांट्स में भी प्लांट्स के कुछ हिस्से को लेके तो उसको फिर स्टिमुलेट करवाया जाता है बाय द एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, साइटोकाइनिन और इंडोल एसिटिक एसिड, और उसके बाद वो जो टिश्यू है वो दोबारा उस प्लांट की तरह ही ग्रो करता है। ये भी बिल्कुल मेथड जैसे अभी हमने एनिमल्स में देखा, बिल्कुल वैसा टेक्निक, बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे वहां एनिमल टिश्यू यूज हो रहे थे और यहाँ पे प्लांट टिश्यू यूज हो रहे हैं। दोनों की जो टिश्यू कल्चर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फर्क इस तरह से है कि दोनों को जो आर्टिफिशियल एनवायरमेंट है वो फर्क चाहिए, जैसे दोनों की न्यूट्रिएंट्स फर्क है, दोनों की टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स फर्क है, तो ये इनको प्लांट्स वाली टेम्परेचर और बाकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट देके तो फिर इनसे उसी तरह सेल की प्रोपेगेशन करवाई जाती है। पर जिस तरह हमने एनिमल में कहा था इसी तरह प्लांट में भी ये जो सेल्स हैं ये फिर कॉन्टिन्यूस ग्रोथ शो करते हैं और ये फिर डिफ्रेंशिएट होके एक नया प्लांट बना देते हैं, और ये जो नया प्लांट बनेगा ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा टू देयर पेरेंट्स। अब प्लांट इंडस्ट्री में ये जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है ये बहुत ज्यादा यूज हो रही है फॉर द रैपिड प्रोपेगेशन ऑफ डिजायर्ड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, और इसके थ्रू वो छोटा सा पीस लेते हैं उस प्लांट का और जो जिसको फिर आगे प्रोपेगेट करवा के तो ये उस जैसे पेरेंट जैसी कॉपीज लेते हैं। ये टेक्निक उन प्लांट्स के केस में भी यूज हो सकती है कि जो मादूम हो रहे हो, जिनकी नस्ल मादूम हो रही हो, वहां से वो प्लांट्स को लेते हैं, उनके छोटे से पीस को इस कल्चर के थ्रू वो दोबारा उस प्लांट पेरेंट जैसा ग्रो करवाते हैं और फिर वो आगे प्रोपगेट करता रहता है। तो ये बेसिकली एक डिटेल ओवरव्यू है टिश्यू कल्चर टेक्निक का एनिमल साइंसेस में, और एनिमल से मुराद ह्यूमन साइंसेज या एनिमल साइंसेज, और इसके साथ साथ प्लांट साइंसेज में। टिश्यू कल्चर के बाद आइए अब हम जो क्लोनिंग की टेक्निक है इसको जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल बाय सब कल्चरिंग आर कॉल्ड क्लोन्स। क्लोन का मतलब ये है कि ये एक इंडिविजुअल और इसको आपने इस तरह से कल्चर किया, वो अभी आप डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो कैसा होता है, कि उसकी एक कॉपी बन जाए। तो ये फर्ज करें ए इंडिविजुअल था जो पेरेंट और ये बी जो कि ऑफस्प्रिंग, तो हम ये कहेंगे कि बी इज द क्लोन ऑफ पेरेंट ए। अब ये चीज अचीव कैसे की जाती है, डियर स्टूडेंट इन पिक्चर के ऊपर आप साथ साथ देखते जाइएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें यहां पर बताता जाऊंगा। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि जिस एनिमल को क्लोन करना होता है या जिसकी फोटोकॉपी बनानी होती है बेसिकली उसके उसमें से एक सोमैटिक सेल लिया जाता है, फॉर एग्जांपल यहां पे स्किन सेल ले लिया। उसके बाद ये जो स्किन सेल यहां पे लिया इसका जो न्यूक्लियस है वो रिमूव किया जाता है, उसके बाद एक एडल्ट फीमेल में से एग लिया जाता है और उसका भी न्यूक्लियस रिमूव कर दिया जाता है। ये जो एग है ये अनफर्टिलाइज्ड एग होगा। अब यहां जो सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस था यानी कि स्किन सेल का, वो अब इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा इनटू द एग, क्योंकि उसका न्यूक्लियस भी हमने निकाल दिया हुआ है। अब यहां पर यह जो एग बना ये वो एग है जिसके अंदर न्यूक्लियस किसका है, वेरी गुड, ये सोमैटिक सेल्स का, स्किन सेल्स का, जो यहां पे हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिए थे। फिर इनको आगे से वो ऑप्टिमम कंडीशन दी जाएंगी जिनमें ये डिवाइड करेंगे, और फिर जब ये एम्ब्रियो की फॉर्म या स्टेज तक पहुंच जाएंगे तो फिर इसको सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सरोगेट मदर्स वो मदर्स होती हैं जिनके अंदर जो यूट्रस है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, उसको हार्मोनल थेरेपी के थ्रू वैसा बना दिया जाता है जैसे एक प्रेग्नेंट वेमेन का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है या एक प्रेग्नेंट एनिमल का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है।
तो अब ये जो एम्ब्रियो है जो कि बेसिकली क्लोनिंग के मेथड से बना, इसको इस सरोगेट मदर में ट्रांसफर करेंगे और फिर उसके बाद ये वो सारे स्टेप फॉलो करते हुए जो कि नेचुरल रिप्रोडक्शन में होते हैं, आप अभी आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे भी, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा भी। उसके बाद ये दोबारा एक ऑफस्प्रिंग आएगा और ये जो नया ऑफस्प्रिंग आएगा यहाँ पे ये बिल्कुल क्लोन होगा इस एनिमल का, सादा लफ्जों में ये इसकी फोटोकॉपी होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा टू द पेरेंट एनिमल। तो इस प्रोसेस का नाम बेसिकली क्लोनिंग है। अब आजकल बहुत ये जो क्लोनिंग की टेक्निक है ये बहुत से पर्पजेस के लिए यूज हो रही है। जैसे अगर एनिमल में देखें तो जो सुपीरियर जेनेटिक्स के एनिमल्स होते हैं उनकी क्लोनिंग की जा रही है, जैसे जो प्राइज बुल्स होते हैं, सादा लफ्जों में विच आर जेनेटिकली सुपीरियर, तो उनको, या इसी तरह जो रेस हॉर्सेज होते हैं जिनका पोटेंशियल रेस के लिए बहुत अच्छा होता है, उन सेल्स की क्लोनिंग की जाती है। इनके साथ साथ जो यूजफुल वैरायटीज है प्लांट्स की उनके अंदर भी ये क्लोनिंग आजकल प्रैक्टिस हो रही है। अब यहां पे एक सवाल आता है कि क्या ये जो टेक्निक है क्लोनिंग की ये ह्यूमंस में यूज हो रही है कि नहीं। तो डियर स्टूडेंट यहां पे एक चीज याद रखिए कि इसके बहुत से इश्यूज हैं, इसमें कल्चरल इश्यूज भी आ सकते हैं, इसमें फिर रिलीजियस इश्यूज भी आ सकते हैं, इसमें सोशल क्वेश्चनिंग भी हो सकती है, तो इसलिए ह्यूमंस में अभी इसका जो यूज है वो उस तरह से नहीं आया। अगर थ्योरेटिकली बात की जाए तो इस टेक्निक के थ्रू हम एक ह्यूमन की बहुत सी कॉपीज बना सकते हैं, शायद इसी वजह से इसके ऊपर ये सारे इश्यूज यहां पे आ सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए कि ये जो क्लोनिंग की टेक्निक है ये टेक्निक इटसेल्फ बुरी नहीं है, इसके बहुत से फायदे हैं रिसर्च में, ये इसमें मेडिसिन में या जो मेडिसिन की रिसर्च है खास तौर पे उसमें, जैसे हम बहुत से हार्मोन्स जो हैं उनका एक्शन इन क्लोन्स के ऊपर देख सकते हैं, इसी तरह जो ड्रग्स हैं इसके अलावा एंटीबॉडीज हैं उनको हम बेसिकली इन क्लोन्स के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, फिर इसी तरह जो कॉस्मेटिक्स हैं और डिफरेंट मेडिसिन्स हैं उनको बजाय इसके कि आप एनिमल्स के ऊपर उनकी टेस्टिंग करें या ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर टेस्टिंग करें, आप इन क्लोन्स के ऊपर उनकी टेस्ट कर सकते हैं कि आप एक सेल का क्लोन बनाएं, फर्ज करें आपने लिवर के ऊपर किसी मेडिसिन का इफेक्ट देखना है, तो बजाय इसके कि आप पूरे का पूरा कहीं से लिवर लें या एक पेशेंट लें या फिर आप एक एनिमल लें और उसके लिवर के ऊपर में पहले आप वो एक डिजीज वो वाली कंडीशन आप इंट्रोड्यूस करवाएं जो डिजीज कंडीशन है, उसके बाद फिर आप उसको ट्रीटमेंट करें और उसका इफेक्ट देखें, आप सादा क्लोनिंग के मेथड के थ्रू लिवर सेल्स प्रोड्यूस करें और उसके बाद उनके ऊपर उस मेडिसिन का या उस ड्रग का आप इफेक्ट देख सकते हैं। तो ये देखिए ये तो एक ब्लेसिंग है फॉर रिसर्च इन बायोमेडिकल साइंसेस। अब ये जो क्लोनिंग है इसके हमने एडवांटेजेस तो देखे हैं, अब यहां पे एक चीज याद रखिए कि क्लोनिंग के रिजल्ट्स में जो इंडिविजुअल बनेंगे वो सिमिलरली बिहेव करेंगे क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर कोई एनवायरमेंटल हैजर्ड डेवलप होना शुरू हो जाए तो फिर याद रखिए कि वो सारे के सारे जो क्लोन है वो फिर उससे अफेक्ट होंगे, यानी कि अगर कोई डिजीज की आउटब्रेक वगैरह आ जाती है, कोई डिजीज इशू आ जाता है तो उसके रिजल्ट फिर सारे क्लोन्स के ऊपर आएंगे। क्यों? क्योंकि अब वो अलग-अलग एक दूसरे से बिहेव नहीं कर सकते क्योंकि उन सब का जो जेनेटिक मेकअप है वो एक ही जैसा है। इसी तरह अब उन क्लोन के ऊपर एनवायरमेंट किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है, ये खास तौर पे ह्यूमन क्लोनिंग की बात हो रही है, ये चीज इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, ये चीज अभी अंडर ट्रायल है। तो ये डियर स्टूडेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं इस क्लोनिंग के प्रोसेस की, जिसकी वजह से अभी इसको कमर्शियल बेसिस के ऊपर उस तरह से नहीं प्रैक्टिस किया जा रहा, ऑल्दो कि ये हमें बायोमेडिकल रिसर्च में बहुत ज्यादा ये चीज हेल्प कर रही है। तो डियर स्टूडेंट ये एक डिटेल ओवरव्यू है
क्लोनिंग का, एनिमल इंडस्ट्री में और इसके साथ साथ प्लांट इंडस्ट्री में। तो डियर स्टूडेंट, देखा कि आपने कि ये बेसिकली जो फिनोमेना है टिश्यू कल्चर का और क्लोनिंग का, ये बेसिकली क्या है और ये कैसे की जाती है। उम्मीद है आपको ये इम्पॉर्टेंट इसके फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। इनको एक दफ़ा बुक से रीड आउट कीजिएगा। मुझे अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।